हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 9 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं व्हाट एंगुलर आईबी इनेबल्स, मतलब कि आईबी कंपाइलर क्या इनेबल करता है, क्यों व्यू इंजन रेंडरिंग इंजन से ये अलग है। आपको ऑलरेडी पता है कि पिछली वीडियो में हमने बता रखा है कि एंगुलर 9 में आईबी कंपाइलर रेंडरिंग इंजन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले एंगुलर 8 तक चलता था व्यू इंजन, जो एज ए कंपाइलर रेंडरिंग इंजन यूज होता था, ठीक है। उससे ये कैसे अलग है, ये क्या इनेबल करता है, इन चीज पर हम फोकस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप समझते हैं तो आगे आप इसको किसी को समझा सकते हैं। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आखिर क्या ऐसा है आईबी कंपाइलर में जो व्यू रेंडरिंग इंजन में नहीं था, इसको क्यों हम अलग कर समझ सकते हैं कि जो ये बहुत ही फास्ट कर देगा, कैसे करेगा, इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तभी आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको तुरंत लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। क्योंकि अगर एक बात मान के चलिए, अगर कुछ नया देख रहे हैं, कुछ लेटेस्ट देख रहे हैं, तो आप जरूर सहो सब सॉल्यूशन के चैनल पर हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एंगुलर जो है आईबी कंपाइलर इंट्रोड्यूस किया है एंगुलर 9 में, ये सिंप्लीफाई करता है कि हाउ एंगुलर वर्क्स इंटरनली। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस थे कंपाइलेशन प्रोसेस में, कुछ लिमिटेशंस थे व्यू इंजन के अंदर, उसको ये रिजॉल्व करता है, ठीक है। किस तरीके से, ये बहुत ही इजिली एक्सटेंजेबल हो जाता है कुछ न्यू फीचर के लिए, जो आगे हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे। और इसको आप अगर मेन तरीके से आप समझे तो तीन चीजों को समझना होगा आपको कि किस चीज को इनेबल करता है। जैसे द न्यू आईबी इंजीनियरिंग हैज बीन ड्रिवन बाय थ्री मेन गोल्स, मीन तीन मेन गोल को ये ड्राइव करता है, जिस चीज को इनेबल करता है। पहला है ट्री शेकिंग, ठीक है, इंक्रीमेंटल कंपाइलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो और एक होता है लोकैलिटी, ठीक है। लोकैलिटी को उतना हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, बाद में उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन इन तीनों चीजों पर हम अभी फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला है ट्री सेकिंग। देखिए ट्री सेकिंग होता क्या है कि ट्री सेकिंग इज द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग डेड कोड, मतलब कि वैसा कोड जो आपके एप्लीकेशन में है जिसका यूज नहीं है, या फिर ऐसा कोई लाइब्रेरी आपने यूज कर रखा है जिसके उस पार्ट को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे कोड को अब आईबी कंपाइलर ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा जब आप उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो बंडल साइज होगा छोटा होगा, हमारा जो भी रन टाइम रेंडरिंग फंक्शन होगा फास्ट होगा, मतलब कि उसको हमें रन टाइम पर रेंडर कराने की जरूरत नहीं है, उसको पहले ही ये क्या कर देगा कि ओमिट कर देगा, रिमूव कर देगा। अब समझिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, ठीक है, आपने वहां पर कोई ऐसा कंपोनेंट बनाया, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसा सर्विस बनाया, ठीक है, बस टेस्टिंग पर्पस के लिए। और उसको आप किसी भी ऐसा कोई सर्विस टेस्टिंग पर्पस के लिए आपने बनाया, किसी कंपोनेंट पर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा गलती हर डेवलपर करता है। टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ बना लेता है टेस्ट करके, या फिर नया सर्विस बनाकर उसको यूज कर लेता है कंपोनेंट पर, ठीक है। तो हम इसको यूज करने के बाद हम गलती से उसको छोड़ भी देते हैं और उसको पब्लिश करके हम डाल देते हैं सर्वर पर, तो क्या होता है, कितना बैंडविड्थ लेगा, फालतू का कोड जो अनयूज्ड है, डेड कोड है, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो भी हमारे सर्वर पर चला गया, हमारा बंडल साइज भी बड़ा हो गया, एप्लीकेशन लोड होने में टाइम लगेगा, वो बैंडविड्थ लेगा। ऐसे चीजों को ये क्या करता है, ट्री शेकिंग रिमूव कर देगा पहले ही। आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा, जो मैं अभी सर्विस का एग्जाम्पल दिया, सर्विस रिलेटेड सर्विस को ट्री शेकेबल बनाया गया एंगुलर 6 में, ठीक है। एंगुलर 6 में ऐसा कोड लाया गया जहां पर सर्विस को ट्री शेकेबल बना दिया गया, ठीक है, कि लेकिन वो क्या था, केवल सर्विस को ही बना रहा था, कि वो सर्विस को चेक कर रहा था कि कौन सा सर्विस कहीं भी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा सर्विस अनयूज्ड है, उन चीज को चेक करके हम बना रहे थे, अब वो ट्री शेकेबल बना दिए, ठीक है, और उस चीज को हम रिमूव कर दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर आईबी कंपाइलर क्या कर रहा है कि रिमूव कर देगा सारे डेड कोड को, जो कोड आप यूज नहीं कर रहे, चाहे वो एंगुलर में इंक्लूड किया है आपने, या फिर कहीं कंपाइल लाइब्रेरी से कोई ऐसा डेड कोड आ रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, इन सारे चीजों को ये रिमूव कर देगा और आपका बंडल साइज जो है छोटा कर देगा। इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आगे जब हम इस सीरीज में
जब स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन, फोल्डर स्ट्रक्चर, एक एक पार्ट बाई पार्ट हर कंसेप्ट को पढ़ना, तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम उसको बिल्ड करते हैं, तो साइज हमारा कम हो जाता है, किस तरीके से साइज हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, इन सारे चीज़ों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। अब अगला पार्ट है कि इंक्रीमेंटल कंपाइलेशन, ठीक है। अब पहली बात देखिए, जब भी आप कंपाइल करते हैं एंगुलर 8 तक, देखिए एंगुलर 8 तक हमारा डैश डैश एओटी, प्रॉड डैश डैश एओटी कर रहे थे, तो हमारा एप्लीकेशन प्रॉड वर्जन में एओटी के अंदर क्या होता था, कंपाइल होता था, ठीक है। और ये 5 फेज को, जो 5 फेजेज में यूज होता था, कंपोज ऑफ 5 फेजेज, वेयर द टीएससी, टीएससी का मतलब क्या हुआ, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट कोड को कंपाइल करता था। आपको ऑलरेडी पता है कि आपका कोई भी कोड, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, आप ब्राउजर आपका केवल जावा स्क्रिप्ट और HTML ही समझता है, लेकिन आप कोड किस चीज में करते हैं एंगुलर में, टाइप स्क्रिप्ट में, तो टाइप स्क्रिप्ट के कोड को भी आपको कंपाइल करके जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां पर काम आता है TSC। उसी तरीके से NGC भी जनरेट करता है टेम्पलेट फैक्ट्रीज को, ठीक है। NG जहां पर मिल गया, आपको समझना होगा कि ये एंगुलर है, ठीक है। C मतलब कंपाइलर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब इंक्रीमेंटल कंपाइलेशन जो आया है एंगुलर 9 में, ये क्या करता है कि ये भी आपका कंपाइल करेगा, लाइब्रेरी को कंपाइल करके NPM पर डाल देगा, ठीक है। IB इनेबल्स इंक्रीमेंटल कंपाइलर, दैट इज लाइब्रेरी कैन बी कंपाइल्ड एंड डिप्लॉयड ऑन NPM। अब एक चीज यहाँ पर ये फायदा है कि इंक्रीमेंटल कंपाइलेशन जो है अवॉइड करता है रीडूइंग से। अगर आप फिर से रिकंपाइल करने जा रहे हैं, तो रिकंपाइल करते टाइम उसको अगेन उस वर्क को नहीं करेगा जो पहले से कंपाइल होकर रखा हुआ है, ठीक है। कुछ लाइब्रेरी जो कंपाइल करके आपने NPM पर डाल दिया, उसको फिर से कंपाइल नहीं करेगा, उसको एज इट इज छोड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस होगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंटल कंपाइलेशन से हमें फायदे मिलने वाले हैं, ये आया है एंगुलर 9 में IB कंपाइलर के आने से, ठीक है। अगला चीज है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि इसमें व्यू इंजन में बहुत सारे से प्रॉब्लम थे, जिसके तरीके से वो फ्लेक्सिबल नहीं था। अब IB आने से क्या होगा कि इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो आगे आने वाले हम वीडियोज में भी देखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने इन सारी चीजों को देखा। देखिए इतना ही नहीं इनेबल करता है आपका IB कंपाइलर, हम कुछ कुछ मेन चीजों को हमने फोकस किया यहाँ पर। आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में और भी ज्यादा चीजें देखने वाले हैं, IB किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट वर्क को कितना आसान कर देगा। अगर आप बेहतर तरीके से बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, जिसमें हम एंगुलर से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करते हैं। मतलब कि एंगुलर 9 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम इंटायर एंगुलर 9 को चैप्टर वाइज बिल्कुल ही डिटेल्स में कॉर्पोरेट लेवल में आपको प्रोवाइड कराएंगे ट्रेनिंग, जो कि ऑनलाइन होगा, घर बैठे कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव सेशन चलेगा। इसके अलावा हम एक लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि हम एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन जो कि ई कॉमर्स बेस्ड होगा, उसको हम डेवलप करके सिखाएंगे, जिसको लाइव करके सिखाएंगे, जिसमें 2 प्रोजेक्ट होंगे, एक एडमिन पैनल होगा और एक आपका फ्रंट एंड होगा जहाँ से लोग परचेज करते हैं, और एक एडमिन पैनल होगा जहाँ से प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है, जैसे कि सेलर बनाए जाते हैं, एडमिन बनते हैं, प्रोडक्ट हम अपलोड करते हैं और ब्रांड अपलोड करते हैं, सारी चीज़ों के लिए। मतलब कि 2 प्रोजेक्ट पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन होगा जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, मतलब कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाएंगे, मतलब कि एंगुलर से रिलेटेड जितने कंसेप्ट होते हैं जो कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम आपको पूरा एंगुलर 9 और उसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट, RxJS लाइब्रेरी और 2 से लेकर 8 तक के भी सारे कंसेप्ट को बताया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 9 में ट्रेनिंग लेने के बाद किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको 9 में ही काम मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको 5 में 6 में मिल जाए। इसलिए हमारा ये मोटिव होता है कि आपके सारे कंसेप्ट आपको बताया जाए, ताकि आप कहीं भी जाएँ तो आपको काम करने में दिक्कत ना हो। और भी वो भी सारे चीज़ें हम कॉर्पोरेट लेवल के बताएंगे, जिस तरीके से आपको कंपनी में काम करने को मिलता है।
फाइनली हम बात करते हैं कि एंगुलर 9 में जो चीज़ें आया है, रिलीज हुआ है। देखिए, एंगुलर 9 में जो आईबी कंपाइलर आया है, ये बहुत ही दिनों से डिले चल रहा था एक गूगल के टीम के साइड से। लगभग 3 साल से गूगल की टीम इस चीज़ पर काम कर रही थी कि इसको रिलीज किया जाए। हर बार बोला जा रहा था कि एंगुलर 7 में आ जाएगा, एंगुलर 8 में आ जाएगा, फाइनली एंगुलर 9 में आया है और बहुत ही लाइफ ईजी कर देगा। इसके बारे में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इस पर काम करने में भी आपको मज़ा आएगा। और हम आपको प्रोवाइड करेंगे सारे इन्फॉर्मेशन एंगुलर 9 से रिलेटेड इसी चैनल पर, इसी सीरीज में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।